दिल्ली के ख्याला इलाके में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। तंदूर रोटी में थूकने वाले दो लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों मोहम्मद इब्राहिम 40 साल और साबी अनवर 22 वर्ष, दोनों पर आरोप है तंदूर पर रोटी बनाते वक्त थूकने का, जिससे किसी को जान को खतरे में डालना। पुलिस ने इस मामले में खुद ही सुमोटो लेते हुए FIR दर्ज की है, क्योंकि वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जब ये वीडियो पुलिस के पास पहुंचा, तो पुलिस ने इस होटल के बारे में पता लगाया। फिर पता चला इस होटल का नाम चांद होटल है। खुद ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस ने IPC की धारा 269, 270, 272, 273 के तहत केस दर्ज किया है। चांद होटल के पास लाइसेंस न होने के कारण उसका DP एक्ट के तहत चालान भी किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद जमानत दे दी है, क्योंकि धाराएं जमानती थी। हाँ, हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ था ट्विटर के माध्यम से, जिसमें DCP वेस्ट को टैग किया गया था, जिसमें ये दिखाया गया था कि दो शख्स रोटी बनाते वक्त उस रोटी का जो डाव होता है उसके अंदर थूक रहे हैं। जिस तरीके का वीडियो हम लोगों के साथ शेयर किया गया था, और उस वीडियो में ये भी बताया गया था कि ये ख्याला एरिया में कहीं वीडियो बना है जी। तो जैसे ही हमको ये खबर लगी, हमने तुरंत जो हमारी लोकल पुलिस है ख्याला में, उनको बताया कि आप इसको एक बार जांच करें कि क्या सच्चाई है इस वीडियो की। तो जांच में ये पता चला कि ये वीडियो वहाँ पर ख्याला एरिया में होटल चांद कर एक जगह है, जो एक आमिर नाम का व्यक्ति चलाता है, उसके होटल में ये वीडियो बना है। और उसके होटल में काम करते हैं दो लड़के, साबी अनवर और इब्राहिम, जो मुख्यतः किशनगंज बिहार से आते हैं जी। तो उन दो लड़कों का ये वीडियो था। इस वीडियो में जो वाइट वेस्ट पहने हुए, बनियान पहने हुए जो लड़का दिखता है, जो कि मुख्यतः ऐसा दिखता है वीडियो के अंदर कि वो थूक रहा है जी, रोटी बनाते वक्त आटे के अंदर, वो इब्राहिम है जिसने वाइट वेस्ट पहनी हुई है। तो एक बार ये मामला जब हमारे संज्ञान में आ गया, तो हमने तुरंत एक्शन लिया। इसमें FIR हमने दर्ज कर ली है ऑलरेडी, जो भी रेलिवेंट सेक्शंस हैं IPC के, और इसके खिलाफ भी हमने लिखा है, इसके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है, जो ये अनलाइसेंस्ड प्रीमाइसेस होटल रन कर रहा है।